हेलो गाइस, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप सभी? अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं बेटा आप सभी? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कैसे हैं आप सभी. चलिएगा बेटा, सेशन की शुरुआत करने से पहले, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी लेट्स क्रिक एसएससी एग्जामिनेशन के प्लेटफॉर्म पर. इसके बाद हम लोग बात करेंगे, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं मेरे बारे में जान लीजिएगा. मैं सिर्फ नीतू राका, मेरा नाम नीतू राका है. इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सेशन की, अपने सेशन की हम लोग बात करेंगे बेटा. हमारा जो सेशन है बेटा, एक बार कमेंट करके बताइएगा. देवाशीष आ चुके हैं, बफरिंग. देवाशीष कह रहे हैं बफरिंग इज इट ओके, एवरीथिंग इज फाइन और नॉट. मोहित कह रहे बफरिंग ओके, चलिए बफरिंग हो रहा है. आई थिंक अभी सब कुछ ओके होगा. इज इट ओके और नॉट, एवरीथिंग इज ओके और नॉट, फटाफट एक बार कमेंट करके बताइएगा. चलिएगा, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो मेरे बारे में नहीं जानते, मैं सिर्फ नीतू राका, मेरा नाम नीतू राका है एंड दीज आर माई क्रेडेंशियल्स. मोहित विशोनी, हेलो मैम. हेलो मोहित जी, हेलो बेटा. जितने भी चैनल आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं गाइस, ये हमारी न्यूली लॉन्च चैनल है और आप सभी इन चैनल्स पर जाइएगा, इन चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा. जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें पता होगा बेटा, इन चैनल्स पे आपको बाइट साइज वीडियो मिलने वाली है, जो वीडियोस बहुत ही छोटी होंगी, 10 मिनट्स की. अब बेटा बात करेंगे अनअकैडमी प्लस की. आप सभी हमारे अब ठीक है, ओके चलेगा अगर अभी ठीक है. हेलो मैम, हाउ आर यू नितेश? मैं बहुत अच्छी हूँ नितेश, आप बताइएगा आप कैसे हैं. सो चलेगा बेटा, थोड़ी सी अनअकैडमी प्लस के बारे में बातें कर लेते हैं कि अनअकैडमी प्लस पे आपको क्या कुछ नया और क्या कुछ डिफरेंट मिलता है. बेटा जिस तरीके से आपकी क्लासेस होती है, आपको डेली मिलती है लाइव क्लासेस, लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलता है वेल स्ट्रक्चर्ड एंड द वेल प्लान्ड कोर्स. और ये जो कोर्सेज होते हैं बेटा, ये होते हैं आपकी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर आप किसी एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, तो किसी भी एग्जाम में अपीयर होने से पहले अगर हम खुद को एनालाइज कर लेते हैं, देन इट विल रियली बूस्ट अप आवर एनर्जी लेवल एंड आवर कॉन्फिडेंस. सो अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को बूस्ट अप करने के लिए आपको दिया जाता है लाइव टेस्ट एंड लाइव क्विजेस. और सबसे बेस्ट फीचर बेटा अनअकैडमी प्लस का, अनअकैडमी प्लस आपका स्टडी फ्लिक्स है. जिस तरीके से नेटफ्लिक्स है, जिस तरीके से हम बात करें अमेजोन प्राइम है, बिल्कुल उसी तरीके से अमेजोन प्राइम नेटफ्लिक्स की तरह आपका जो स्टडी फ्लिक्स, हम एक तरीके से अनअकैडमी को कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्टडी फ्लिक्स आपका है. क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पे, अगर आप एक सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं एक कैटेगरी के. उसके अलावा आप डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स को बेटा यहाँ पर, आप होता है ना कि हमारा फेवरेट हीरो होता है तो हम अपने फेवरेट हीरो की मूवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो सिमिलरली जो आपके फेवरेट टीचर्स है, आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं. बढ़िया मैम, बस आपका आशीर्वाद है. ओके चलेगा, वेरी नाइस. शिवानी ओझा आ चुकी है, हेलो मैम. हेलो शिवानी ओझा, चलेगा. सो बेटा बात करेंगे अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कैसे करना है. अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करना होगा. गूगल प्ले स्टोर या फिर किसी भी ऐप स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा. इंस्टॉल करने के बाद अगर हम बात करते हैं, अनअकैडमी करता है सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम, और ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान है. बट जो आपके लिए इकोनॉमिकल बेस्ट प्लान रहने वाले हैं बेटा, वो रहेंगे 12 मंथ और 24 मंथ का. क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है, जिन बच्चों का CHSL हो चुका है या फिर जिनका CGL प्री हो चुका था, या फिर हम बात करेंगे अब जो आपका मेंस आने वाला है, तो इस टाइम पीरियड में कम से कम आपको 1 से 1.5 साल का टाइम लगता है. तो आप बार बार तो सब्सक्रिप्शन लेंगे नहीं, तो एक बार आपके लिए बेस्ट इकोनॉमिकल प्लान ये रहने वाला है. सो यू कैन गो थ्रू एनी ऑफ द प्लान. और बेटा किसी भी प्लान को सब्सक्राइब करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, आपको रेफरल कोड अप्लाई करना होगा NDLIVE. और अगर आप एनडी लाइव रेफरल कोड को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मिलता है आपको आपकी फी में 10% का इंस्टेंट रिडक्शन, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट. अभिषेक मिश्रा, हेलो मैम. हेलो मैम, हेलो मैम अभिषेक मिश्रा, हेलो. हेलो बेटा कैसे हैं? चलेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. करते ही अब सेशन की बात, सब्सक्रिप्शन की बात हो गई. कैसे आपको हमारे प्लस कोर्स के साथ जुड़ना होगा, जो प्लस कोर्स है आपके वेल स्ट्रक्चर्ड और बेटा आपके बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड आपके कोर्सेस हैं.
सो चलेगा, चलते हैं बेटा आज के क्विज की तरफ। और आज के क्विज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। स्टार्ट करो मैम। शिवानी ओझा, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी, क्विज स्टार्ट हो चुकी है और क्वेश्चन 1 आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 1 इज ऑन योर स्क्रीन। आशीष कुमार, हेलो मैम, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, आंसर आ चुका है यहाँ पे, वाइट आंसर। चलिएगा, वेरी नाइस। देवाशीष जी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी द रेड एंट। और हम बात करेंगे यहाँ पे, आशीष कुमार जी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, वेरी नाइस। मोहित जी का आंसर आ चुका है चीटी के साथ रेड एंट, चलिएगा, वेरी नाइस। अमन जैन जा रहे ऑप्शन नंबर सी के साथ, सौरभ ठाकुर भी जाते हुए ऑप्शन नंबर ए के साथ, चलिएगा। शिवानी ओझा जा रही है ऑप्शन नंबर ए के सी के साथ, और सौरभ ठाकुर एक के साथ जा रहे, मोहित रेड एंट, वेरी नाइस। सो अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं, बेसिक से क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। सो जो फॉर्मिक एसिड है, इसकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ये बेसिकली पाया जाता है रेड एंट के अंदर, जो लाल चींटियां होती हैं। और अगर हम फॉर्मिक एसिड के आयुपैक नेम की बात करते हैं, या फिर साइंटिफिक नेम ऑफ द फॉर्मिक एसिड, दैट विल बी द मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता है, जितने भी डंक मारने वाले कीड़े होते हैं, ऑल द स्टिंग इंसेक्ट्स, सभी स्टिंग इंसेक्ट्स के अंदर फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। बिल्कुल, आप कैसी हो विष्णु भंडारी जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा बेटा आप कैसे हैं। बिल्कुल, और जितने भी बच्चे सी के साथ थे, आप सभी का आंसर गलत है। कुछ बच्चे वाइट आंसर के साथ थे, जितने भी वाइट आंसर के साथ थे वो आंसर बिल्कुल गलत है, चलेगा। आशीष जी ने फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला भी हमें दे दिया है, COOH, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। और ये पाया कहां पर जाता है, रेड एंट, या फिर जैसे हम बात करें मधुमक्खी के अंदर पाया जाता है, मक्खियों के अंदर पाया जाता है, हम बात करें बिच्छू के अंदर पाया जाता है, ऐसे जानवरों के अंदर जितने भी स्टिंग या डंक मारने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके अंदर बेसिकली पाया जाता है। चलेगा, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और थोड़ा स्पीड के साथ हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कर सके। कोशिश करेंगे 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम आज कंप्लीट करें 1 आवर के अंदर। सो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर है। विच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन द अर्थ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी को आंसर पता होगा, आप सभी को आंसर पता है क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन है। और स्टैटिक क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो स्टैटिक क्वेश्चंस के आप आंसर बहुत आसानी से देख सकते हैं। आज कुछ स्टैटिक चीजों की और कुछ अच्छी चीजें जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, हम बात करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। आज कुछ हटके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ आपको बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ थोड़ा सा हटके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चलेगा। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे ऑस्ट्रिच, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। हम बात करेंगे सबसे पहले आंसर किसका आया, यहाँ पर सबसे पहले आंसर आया है आशीष कुमार जी का बी, देन नितेश का आंसर आया है, नितेश के बाद देवाशीष जी का आंसर आया है, मोहित जी का आंसर आया है, कर्ण प्रताप सिंह जी का आंसर आया है, भाग्य सिंह गुज्जर जी, देन शिवानी ओझा, देन रजनीश राज, देन मोहित, देन जुगल शर्मा, देन कर्ण प्रताप जी का आंसर बिल्कुल सही है, 170 × 150 mm। चलिएगा, ऑस्ट्रिच का इन्होंने साइज भी बता दिया, 170 × 50 mm। किसका साइज बता रहे हो पहले ये बताओ, साइज बता किसका रहे हो भाई, पहले ये बताओ ऑस्ट्रिच का साइज बता रहे हो, ऑस्ट्रिच की लेंथ की हम बात करें, ऑस्ट्रिच की हाइट कितनी होती है। चलिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रिच की, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। अब ऑस्ट्रिच की अगर हम हाइट की बात करते हैं, इसकी जो हाइट होती है लगभग 170 इसकी हाइट होती है, अगर हम बात करेंगे लगभग 170 cm, इज इट ओके। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रिच का, बिल्कुल अगर हम बात करेंगे जो ऑस्ट्रिच का एग होता है, अगर हम ऑस्ट्रिच एग की बात करते हैं, तो आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी कोशिका, यानी कि लार्जेस्ट कोशिका कहा जाता है ऑस्ट्रिच एग को, लार्जेस्ट सेल, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका। और ये जो लार्जेस्ट सेल होती है, इसका साइज क्या होता है, इसका जो साइज होता है, इसका डायमीटर होता है 70 cm। अगर हम डायमीटर की बात करते हैं, ऑस्ट्रिच एग का जो डायमीटर होता है वो होता है 70 cm। अब अगर हम ऑस्ट्रिच की स्पीड की बात करते हैं, तो ये कितनी स्पीड के साथ ये भाग सकते हैं,
ऑस्ट्रिच की अगर हम बात करते हैं, इनकी जो रनिंग स्पीड होती है, अगर हम इनके स्पीड की बात करें, लगभग 70 किलोमीटर पर आवर। अगर हम एवरेज स्पीड ऑफ ऑस्ट्रिच की बात करते हैं, ऑस्ट्रिच के जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है लगभग 70 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ कितनी होती है, हाइट की अगर हम बात करेंगे तो हाइट जो होती है वो होती है लगभग 170। चलेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू, और क्वेश्चन नंबर टू का आंसर होगा ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, और क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोगों के स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, दुनिया की सबसे छोटी पक्षी, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटी बर्ड की अगर हम बात करते हैं, स्मॉलेस्ट बर्ड। टाइमिंग क्या है मैम? करण प्रताप सिंह जी, जो टाइमिंग है वो है 11 से 12। टाइमिंग है 11 से 12। आज थोड़ा सा सेशन लेट स्टार्ट हो पाए, 5-10 मिनट। सो 5-10 मिनट तो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, टेंशन मत लीजिए। 10 मिनट लेट हो, 12 मिनट लेट हो, 15 हो, 20 हो, नॉट एन इशू। चलेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी नाइस। सबसे पहला आंसर किसका आया है? सबसे पहला आंसर यहाँ पर आया है करण प्रताप सिंह जी, नहीं, देवाशीष जी का सबसे पहला आंसर आया है, देन अभिराज, देन धीरज कुमार, देन नितेश, देन आशीष, देन रजनीश, देन करण प्रताप, देन जुगल शर्मा, देन अभिराज, निवेद, वशु, अमन, शिवानी, चलेगा वसुदेव, वर्षित, वसुदेव, चीकू चीकू, सौरभ ठाकुर और करण प्रताप सिंह। चलेगा, यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी, योर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी द हमिंग बर्ड। अगर हम ह्यूमिंग बर्ड की बात करते हैं, ह्यूमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी होता है। अगर हम इसके साइज की बात करेंगे, इसका साइज क्या होता है, अगर हम लेंथ की हो या फिर विड्थ की बात करेंगे, सबसे छोटा तो हमने इसको कह दिया, इसके जो लेंथ होती है लगभग हम बात करेंगे इसके हेड से लेके टेल तक, या फिर हम लोग इसके विड्थ की बात करेंगे, तो ह्यूमिंग बर्ड की लेंथ और विड्थ कितनी होती है? चलेगा बेटा, अगर हम इसके लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ लगभग होती है 7.5 सेंटीमीटर, और वही अगर हम विड्थ की बात करते हैं, विड्थ कितनी होती है अगर हम विड्थ की बात करें? नहीं, पहले मेरा था, आशीष कुमार कह रहे हैं आपका था, कोई बात नहीं आशीष कुमार, अगर आपका था तो देवाशीष भी आपके भाई हैं, कोई बात नहीं, भाईचारा कायम रहना चाहिए, नॉट एन इश्यू। चलो आपका मान लेते हैं, आपका पहले सही था। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोगों के स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर आपका ह्यूमिंग बर्ड है। यहाँ पे ह्यूमिंग बर्ड की जो लेंथ होती है, लगभग 7.5 सेंटीमीटर, और वही अगर हम इसके विड्थ की बात करते हैं, विड्थ लगभग होती है 13 सेंटीमीटर, ये इसकी विड्थ होती है। और अगर हम इसकी एवरेज स्पीड की बात करते हैं, इसकी एवरेज स्पीड कितनी होती है? स्पीड होती है लगभग 15 मीटर पर सेकेंड। चलेगा, ह्यूमिंग बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड। चलेगा एस जी मोजो जी, वेरी नाइस, वेल डन। 1 सेकेंड में 90 टाइम पंख फड़फड़ाता है, वेरी नाइस। नितेश जी ने एक और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताया, अगर हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छा फैक्ट है, 1 सेकेंड में जो ह्यूमिंग बर्ड होती है वो लगभग 90 टाइम्स अपने पंख को फड़फड़ा सकता है, जिस कारण से इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 50 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड होती है। मैम, इस लेंथ एंड विड्थ इज इम्पॉर्टेंट इन CHSL, बट अगर हम CHSL की बात करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे तो नहीं जाते हैं, बट हम किसी भी एंगल को नहीं छोड़ सकते, किसी भी एंगल को हम स्किप नहीं करेंगे, वी हैव टू कवर ईच एंड एवरी एंगल ऑफ द एनी ऑफ द टॉपिक एंड एनी ऑफ द फैक्ट। नाइस क्लास मैम, करण प्रताप सिंह, अभी तो महफिल लगी ही नहीं है, सरकार फुर्सत निकालो तो सही, अभी महफिल जमने तो दो, महफिल जमने के बाद पता चलेगा ना। वैसे थैंक्स अ लॉट, फ्रेंड्स आज मैंने नया चश्मा खरीदा है, बताना कैसा है, अभी चश्मा हमारे तक पहुंचा नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर आप लोगों के स्क्रीन पर है, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल, दुनिया का सबसे बड़ा विशाल स्तनधारी कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे। बट माई आंसर वॉज फर्स्ट, ओके चलेगा, वसुदेव कह रहे मेरा आंसर सबसे पहला था, चलेगा अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर आप लोगों के स्क्रीन पर है, सबसे पहला आंसर किसका आता है? सबसे पहला आंसर आता हुआ धीरज कुमार जी का, देन करण प्रताप सिंह, चलिएगा वेरी नाइस, निवेद जा रहे हैं बी के साथ, ओके देवाशीष का आंसर गलत हो चुका है, डायनासोर के साथ जा रहे हैं, वेरी नाइस,
नितेश बी के साथ जाते हैं, वसुदेव बी के साथ, वेल के साथ जाते हैं, नवीन, रजनीश, राधे, कुमावत, देन हम बात करेंगे शकुनी मामा। ओ हमारे साथ शकुनी मामा जी भी मौजूद है, वेरी नाइस, वेल डन। गौरव मेहरा, गौरव मेहरा के बाद हम बात करें रोशन बिस्ट, अमन जैन, देवाशीष ने दोबारा से आंसर सही कर दिया है, नवीन आ चुके हैं, सुशांत बेनीवाल, मैडम आपके स्माइल ओके है, ओके थैंक्स अ लॉट सुशांत बेनीवाल जी। चलिएगा शिवानी ओझा, सौरभ ठाकुर, देवाशीष, नवीन, ऑलमोस्ट सभी सभी स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही है, दैट इज द वे। अगर हम व्हेल मछली की बात करते हैं, जो व्हेल मछली होती है ये दुनिया का सबसे बड़ा मैमल या फिर दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। अगर हम लगभग इसकी अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं या फिर लेंथ को हम बात करें कि कितनी हाइट तक उठ सकती है, या फिर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं, जो इसकी लंबाई होती है वो होती है लगभग 100 फिट। जितना बड़ा एक हाथी होता है, जितना बड़ा एक एलिफेंट होता है, लगभग उतनी तो व्हेल की सिर्फ जीभ होती है, जो टंग होती है उतनी लेंथ सिर्फ व्हेल की टंग की होती है। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं, मैम जल्दबाजी में सी दे दिया था, नॉट एन इश्यू, कोई बात नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है, ट्रेन थोड़ी ना छूट रही है हमारी, यानी कि प्रेशर तो हमें लेना ही नहीं है किसी चीज का, जस्ट चिल, बिल्कुल चिल माइंड से हमें आंसर करना है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी द 100 फीट। चलेगा, मेरा आज फर्स्ट डे है, ओके, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का हार्टेस्ट वेलकम है आज की क्लास में, एंड यू कैन कंटिन्यू विद द सेशन। 25 मीटर, चलिएगा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेल डन, चलेगा। और आपको पता है, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के बाद, मनुष्य मानव के बाद, अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स के बाद, जो सबसे बुद्धि मैमल माना गया है संसार में या फिर इस धरती पे बेटा, वो यहाँ पर व्हेल ही है, यानी कि सेकेंड वाइजेस्ट मैमल ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन बींग्स के बाद। मैम डायनासोर के बारे में बताओ, डायनासोर के बारे में अगर बताएं, अभी पहले क्विज को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद बात करेंगे, क्विज को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। एक व्हेल सौ एलिफेंट को खा सकती है क्या? मैम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक व्हेल सौ एलिफेंट को नहीं खा सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिएगा, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के स्क्रीन पर है, द एनिमल विच कैन टॉलरेट मोर समर हीट इज, चलिएगा हम बात करेंगे, द एनिमल विच कैन टॉलरेट मोर समर हीट इज, ऐसा पशु जो अपेक्षाकृत अधिक ग्रीष्म ताप को सहन कर सकता है, दैट विल बी द बफेलो, दैट विल बी द काओ, दैट विल बी द गॉड, दैट विल बी द डंकी। चलिएगा, सभी का आंसर आ चुका, हमारे हमारे डंकी जी का आंसर पहले आ चुके हैं। चलिएगा, गौरव मेहरा जी, मजाक था, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, गौरव मेहरा जी का आंसर आ चुका, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, देन गोट, 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 ओके, चलिएगा नवीन जी, गोट के साथ सबसे पहला सही आंसर है नवीन जी का। चलिएगा नितेश, डॉल्फिन, डॉल्फिन की अगर हम बात करेंगे, बिल्कुल नवीन विश्वकर्मा जी, आप वाइजेस्ट, ओके मैं समझ गई हूँ, आप डॉल्फिन में कहां पर जा रहे हो, डॉल्फिन को डॉगफिश के नाम से भी जाना जाता है, और दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द वाइजेस्ट मैमल, यानी कि सबसे बुद्धिमान मैमल के नाम से भी जाना जाता है डॉल्फिन को, वेरी नाइस। सो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंड ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी द गोट, यानी कि बकरी। अगर हम बात करते गोट की, या फिर गोट के साथ साथ हम बात करें शेप, जो भेड़ होता है, जो बकरी होता है, नॉट अ गधा सही आंसर नहीं होगा राधे कुमावत जी, गधा इज नॉट द सही आंसर, गधा आपका बिल्कुल सही आंसर नहीं है। गधा का, गधे का काम सिर्फ कितना होता है भाई, वजन को कैरी करने के लिए उसको यूज किया जाता है बेसिकली हमारे यहाँ पर, तो गधा सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर यहाँ पर हम बात करेंगे गोट होगा, गोट। और अगर हम शीप की बात करते हैं, इनकी जो स्किन होती है, अगर हम स्किन की बात करते हैं, जो एपिडर्मिस लेयर होती है, एपिडर्मिस लेयर के नीचे एक बहुत ही फैटी लेयर पाई जाती है, फैटी लेयर होने के साथ साथ इनकी जो स्किन होती है, आपने देखा होगा ना कि अगर हम बकरी की बात करें, अगर हम भेड़ की बात करें, फिर बेसिकली हम लोग बफेलो की भी बात करते हैं, तो स्किन, इनकी स्किन जो होती है लटकी हुई होती है, बट जो गॉट होती है, बकरी होती है, बकरी की और भेड़ की स्किन जो होती है बफेलो के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा लटकी हुई होती है, एक हैवी अमाउंट ऑफ, एक बल्ज में इनके ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु गधा है क्या? चलिएगा, वेरी नाइस,
चलेगा बकरी, बिल्कुल बकरी सही आंसर होगा सर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मैम आप जीएस पढ़ाते हो, बिल्कुल कविराज कुमार जी जीएस में जनरल साइंस का सेक्शन हम ही कंप्लीट कराते हैं, चलेगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सिक्स, और क्वेश्चन नंबर सिक्स आप लोगों के स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट बर्ड, सबसे लंबा पक्षी यहां पर पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक लंबा पक्षी है। मैडम आप कहां से हो, राधे कुमावत जी पूछ रहे हैं, राधे कुमावत जी हम दिल्ली मुखर्जी नगर से हैं, चलिएगा। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स आप लोगों के स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट बर्ड, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक लंबा पक्षी है, दैट इज द ऑस्ट्रिच। तो हम बात करेंगे ऑस्ट्रिच, और ऑस्ट्रिच की लेंथ कितनी होती है, अगर हम ऑस्ट्रिच की लेंथ की बात करें, बिल्कुल सही आंसर आपका ऑस्ट्रिच होगा। और अगर हम ऑस्ट्रिच की लेंथ की बात करते हैं, लेंथ कितनी होती है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी द ऑस्ट्रिच। और ऑस्ट्रिच की अगर हम लेंथ की बात करते हैं, यानी किसकी हाइट कितनी होती है, बेसिकली हम हाइट की बात करेंगे, हाइट कितनी होती है, इसकी जो हाइट होती है वो लगभग होती है 2.75 मीटर, लगभग 2.75 मीटर के आसपास ऑस्ट्रिच की हाइट होती है। बिल्कुल 2.7 जा रहे, 2.7 एसजी मोजो जी, बिल्कुल 2.7 के आसपास इसकी हाइट होती है, 2.75 मीटर, वेल डन, वेरी नाइस। और अगर हम वेट की बात करते हैं, तो इसका जो वेट होता है लगभग 150 किलोग्राम, 150 किलोग्राम वेट होता है ऑस्ट्रिच की, अगर हम वेट की बात करें। और अगर हम इसके लेंथ की बात करते हैं, लेंथ कितनी होती है, लेंथ लगभग 2.75 सेंटीमीटर, चलेगा। सो दिस इज द हाइट एंड दिस वन इज द 150 किलोग्राम, 170 सेंटीमीटर, बिल्कुल 170 सेंटीमीटर विल बी द हाइट ऑफ द ऑस्ट्रिच, चलेगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेवन, एंड क्वेश्चन नंबर सेवन इज ऑन योर स्क्रीन। आज का क्वेश्चन नंबर सेवन आप लोगों के स्क्रीन पर है, थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक तरफ आपको कुछ साइंटिस्ट के नेम दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ कुछ डिस्कवरीज दी हुई है, यानी कि बेसिकली कुछ वैक्सीनेशंस है, कुछ यहाँ पर मेडिकेशंस है। आपको ये बताना होगा किस साइंटिस्ट ने किस वैक्सीनेशन की या फिर किस मेडिकेशन की डिस्कवरी की है। स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल मैम ये क्लास डेली होती है, बिल्कुल सिवानी हो जाए, ये क्लास डेली होती है, चलेगा। सो क्वेश्चन नंबर सेवन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन इज ऑन योर स्क्रीन। ओके, यहां पे पूछा जा रहा है कहां पर पाया जाता है। अगर हम ऑस्ट्रिच की बात करते हैं, बेसिकली जो ऑस्ट्रिच होता है वो अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका की अगर हम बात करें, या फिर हम बात करें अरेबियन, अरेबियन में पाया जाता है, या फिर अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली अरेबिया या फिर अफ्रीका के आसपास ये पाया जाता है। प्लेन ऑफ अफ्रीका आप सीधा सा कह सकते हो, तो अफ्रीका के जो मैदान होते हैं वहां पर ऑस्ट्रिच पाया जाता है, बिल्कुल अफ्रीका में पाया जाता है। दिस इज टफ। ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट जा रहे हैं, सभी मैक्सिमम क्या, सभी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, चलिएगा, वेरी नाइस, बहुत खूब। तो बात करेंगे, देख लेते हैं कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले ऊपर से चलेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीनर की। जीनर जो साइंटिस्ट है, इन्होंने खोज किसकी की है। बट आपको पता है जीनर ने वैक्सीनेशन की खोज की थी, वैक्सीनेशन कि भाई हम मेडिसिन, अगर हम बात करते हैं मेडिकल फील्ड में, इन्होंने एक अच्छी खासी एक इन्वेंशन इन्होंने की, और इन्होंने इन्वेंशन किसकी की थी, वैक्सीनेशन की। भाई किसी भी बीमारी में हम पर्सन को वैक्सीनेशन दे सकते हैं, और बेसिकली वायरल डिजीज के अगेंस्ट इन्होंने वैक्सीनेशन की डिस्कवरी की थी। इसके बाद हम वॉटसन की अगर बात करते हैं, वॉटसन ने क्या दिया था, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो डबल हेलिक्स हम बात करेंगे, सो वॉटसन जाएंगे आपके डबल हेलिक्स के साथ। और अगर हम बात करते हैं लैंडेस्टिनर, जो लैंडेस्टिनर नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने ब्लड कोपिंग की डिस्कवरी की थी, ही डिस्कवर्ड द एंड ही गिव द फैक्ट ऑफ द ब्लड कोपिंग। इसके बाद अगर हम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स की बात करते हैं, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने पेंसिलिन नाम की एक दवा दी थी, जो कि एक बहुत ही अच्छी आपकी एंटीबायोटिक है, बेसिकली बहुत यूज होता है पेनिसिलिन का। सो विच वन विल बी द राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, चलिएगा।
बिल्कुल एडवर्ड जिनर, वेरी नाइस। चलिए, हु वाज फर्स्ट, सबसे पहले आंसर किसने दिया था? चलिएगा सबसे पहले आंसर मैं बताती हूँ। सबसे पहले आंसर दिया था रजनीश राज जी ने, जो सबसे पहला आंसर आया था वो आया था रजनीश राज जी का, ऑप्शन नंबर सी। नहीं 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 सॉरी नॉट द, हाँ रजनीश राज जी का सबसे पहला आंसर आया था। चलिएगा पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के स्क्रीन पर, द पॉइजन ऑफ हनी बी, मधुमक्खी के अंदर एक विष होता है। अगर हम बात करते हैं मधुमक्खी की, तो आपने देखा होगा कि बेसिकली मधुमक्खी अगर हमारे शरीर पर कहीं भी काट लेती है तो बहुत लंबे टाइम तक, लगभग 4-5 दिन तक स्वेलिंग रहती है, और उसके बाद जो पॉइजन होता है, कौन सा पॉइजन पाया जाता है इनके अंदर और वो किस नेचर का होता है? पॉइजन किस नेचर का होता है और कौन सा पॉइजन पाया जाता है ये भी बताना होगा, विच पॉइजन और किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। चलिएगा सबसे पहले जो सही आंसर है वो है संदीप अरोरा जी का, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हम बात करेंगे एसिडिक नेचर का होता है। हम बात करेंगे वसुदेव जी का आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल गलत आंसर है वसुदेव जी का। अमन जैन ए के साथ जाते हुए, आशीष कुमार बी के साथ जाते हुए, गौरव मेहरा ए के साथ जाते हुए, रजनीश राज जाते हुए एसिडिक प्रोटीन, एसजी मोजो प्रोटीन, बिल्कुल गलत है एसजी मोजो। चलिएगा आकाश मीना ए के साथ जाते हुए, शिवानी ओझा। तो सबसे फास्ट जो आंसर आया है वो आया संदीप अरोरा जी का। तो हम बात करेंगे दैट विल बी द ऑप्शन नंबर ए। और अगर हम बात करते हैं हनी बी के अंदर जो पॉइजन पाया जाता है, मधुमक्खी के अंदर जो जहर होता है, कौन सा जहर इसके अंदर पाया जाता है? दैट विल बी द वेनम। नो आइडिया मैम, फॉर्मिक एसिड, नॉट द फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अब हम बात करेंगे नाम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड होगा तभी तो वो एसिडिक नेचर का है। ये तो हम बात पहले ही कर चुके हैं कि फॉर्मिक एसिड पाया जाता है तो एसिडिक नेचर का होगा, बट पॉइजन कौन सा होता है? हनी बी के हनी में, शहद में प्रोटीन होता है, शहद इज द डिफरेंट, हनी इज द डिफरेंट थिंग। हनी आपकी बॉडी में थोड़ी ना छोड़ती है, तब वो आपको डंक मार के जाती है, आपको स्टिंग अगर वो मारती है तो वो आपको शहद थोड़ी ना देके जाती है। हमारी बॉडी में स्वेलिंग आती है किस पॉइजन के कारण? दैट विल बी द वेनम। कौन सा पॉइजन होता है मधुमक्खी के अंदर, हम बात करेंगे दैट विल बी द वेनम। वेनम पॉइजन पाया जाता है, और ये होता क्या है, इसके अंदर बेसिकली मिथेनोइक एसिड पाया जाता है, इट इज हैविंग द मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड इसके अंदर पाया जाता है। चलेगा नहीं पता मैम, इट्स ओके, कोई बात नहीं, दैट विल बी द वेनम, और जो वेनम होता है वेनम के अंदर पाया जाता है मेथेनोइक एसिड, बिल्कुल अंकिता जी का आंसर आ चुका है वेनम। चलिए, मुझे कल ही काटा था सो थोड़ा सा केयरफुली। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन। बिल्कुल मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन। गुड क्वेश्चन मैम, चलिएगा वेरी नाइस। सो बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के स्क्रीन पर है, अ पोटैटो ट्यूबर हैज बीन आउट इनटू टू हाफ्स। अगर हम बात करेंगे, एक आलू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, काटा गया और दो हाफ्स में उसको डिवाइड किया गया, दो हाफ में जैसे ही उसको डिवाइड किया, सो उसके ऊपर एक आयोडीन सॉल्यूशन डाला जा रहा है, आयोडीन सॉल्यूशन उसके ऊपर डाला जा रहा है, और ये नोटिस किया जा रहा है कि वो जो आलू होगा, वो जो पोटैटो के जो दो पार्ट है, एक पार्ट के ऊपर डाला गया आयोडीन सॉल्यूशन, वो किस कलर में कन्वर्ट होगा? अभी तक यहाँ पे आंसर हम बात करेंगे फ्रॉम पिंक टू ब्लू ग्रीन, ये पिंक टू ब्लू ग्रीन में कन्वर्ट होता है, सबसे फास्ट आंसर आया है संदीप अरोरा जी का, बट आई थिंक यहाँ पर संदीप अरोरा जी बिल्कुल गलत है। हम बात करेंगे धीरज कुमार जी का आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे फीमेल ज्यादा अच्छा आंसर दे सकती है, बट अभी तक किसी का भी आंसर नहीं है। ममता सैनी जी बिल्कुल गलत आंसर है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, बेसिकली अगर आप अपने घरों में भी आलू को अभी कटा हुआ आपने कभी देखा हो, तो किस कलर की लाइनिंग उस पे होती है, किस कलर की लाइनिंग पोटैटो के ऊपर पाई जाती है? एसजी मोजो जी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, चलिएगा वेरी नाइस। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हल्की से ब्राउनिश टू ब्लू ब्लैक कलर की लाइनिंग होती है, नॉट द पिंक, नॉट द पिंक। आपको पता है आयोडीन टेस्ट किस लिए किया जाता है, आलू के अंदर क्या पाया जाता है, पोटैटो के अंदर पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट अगर हम बात करते आलू को क्या कलर देता है, ये देता है ब्राउन टू ब्राउन कलर, से ये हल्का सा ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होने लगता है, भूरे से नीले काले रंग में ये परिवर्तित होने लगता है। बिल्कुल स्टार्च प्रेजेंस होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, बिल्कुल संदीप अरोरा जी बिल्कुल सही आंसर आपका है। चलिएगा, स्टार्च टेस्ट के लिए बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिएगा, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के स्क्रीन पर है। Who amongst the following was awarded Nobel Prize for the path-breaking contribution to develop treatment against Parkinson disease? Okay, चलेगा, Parkinson disease के लिए यहाँ पर Nobel Prize से किस साइंटिस्ट को नवाजा गया है? और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पता है, अभी हाल फिलहाल की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2000 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था और इनको कंबाइंड नोबेल प्राइज दिया गया था, तीन साइंटिस्ट को एक साथ नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। चलेगा, संदीप अरोरा जी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, हर्ष जी का आंसर आ चुका है, निवेद जी का आंसर आ चुका है, उप्स चलिएगा, वेरी नाइस, सी सी के साथ जा रहे हैं, एस जी मोजो जी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो वॉट विल बी द राइट आंसर, हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको तीनों साइंटिस्ट के नेम बताती हूँ, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तीन साइंटिस्ट को कंबाइंडली 2000 में ही नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे अरविट कार्लसन, अरविट कार्लसन एक स्वीडिश साइंटिस्ट ही है। इनके साथ साथ दो साइंटिस्ट और थे जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, हम बात करेंगे एरिक कंडेल जी की। इसके अलावा आपको पता होगा जो थर्ड साइंटिस्ट थे वो थे पोल ग्रीनगार्ड। आई थिंक ये पोल ग्रीनगार्ड आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं ऊपर लिख देती हूं यहां पर पोल ग्रीनगार्ड। ये तीन साइंटिस्ट थे जिनको 2000 में कंबाइंड नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ द पार्किंसन डिजीज के अगेंस्ट इन्होंने कुछ वैक्सीनेशन की डिस्कवरी की थी। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिएगा, सो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही फेमस केस था, अगर हम बात करते तब नोबेल प्राइज मिला था इस डिजीज के लिए, अगर हम पार्किंसन की बात करते। चलेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के स्क्रीन पर है। चलेगा, पार्किंसन, ओके चलेगा, हर्ष आचार्य जी पूछ रहे पार्किंसन होती क्या है। बेटा पार्किंसन की अगर हम बात करते हैं, बेसिकली जो पार्किंसन डिजीज होते हैं इसमें जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डैमेज करती है, बेसिकली हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज करती है। और अगर हमारे न्यूरॉन्स डैमेज होंगे तो हमारी बॉडी से जितने भी सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट होती है हमारे नर्वस सिस्टम तक, उनकी हम बात करेंगे, बेसिकली जो न्यूरॉन्स होते हैं न्यूरॉन्स के बीच में एक साइनेप्स को ये डैमेज करता है, तब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ता है, यानी कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट सब एक साथ कंबाइंड होते हैं, उस जॉइंट को हम कहते हैं साइनेप्स। उस साइनेप्स को ये ब्रेक कर देता है, और जैसे ही वो साइनेप्स कमजोर पड़ता है तो हमारी बॉडी के अदर पार्ट से बेसिकली जो सिग्नल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो हमारे नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण से हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये ब्रेन होता है, ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद ये जो कंडीशन होती है पार्किंसन की, ये कभी कभी पैरालाइज तक भी चली जाती है। यानी कि हमारी बॉडी का कभी होता है, कुछ लोगों के साथ क्या होता है, एक पार्ट काम करना छोड़ देता है, कभी कभी होता है क्या, हमारी कंप्लीट बॉडी वर्क जो होती है, जो कंप्लीट बॉडी का फंक्शन होता है, वो कंप्लीट बॉडी हमारा फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देती है। बेसिकली ये पार्किंसन एक ऐसी डिजीज है, ये पैरालाइज तक भी पहुंच जाती है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। मैम आर यू बायोलॉजी ग्रेजुएट? बेटा आई एम 10th pass, मैम बेटा आई एम 10th pass, अभी आ जाते हैं हम सेशन पे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन योर स्क्रीन। सौरभ ठाकुर मैम बाय, मेरा गुड नाइट, मेरा इंटरनेट समाप्त हो चुका है, कोई बात नहीं। सुमित कुमार जी, अगर मेरे क्वालिफिकेशन को बेटा जानना है तो यू हैव टू गो थ्रू द अनअकैडमी
प्रोफाइल, अपन अकादमी प्रोफाइल पर जाइएगा, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। चलिएगा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन योर स्क्रीन, व्हिच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी, किस औषधि का प्रयोग ज्वलन प्रतिरोध के रूप में किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले जो सही आंसर आया है, मैं बात करूंगी यहाँ पे किसका है, एस जी मोदो जी का सही आंसर आया है, शीलू राजपूत जी का बिल्कुल सही आंसर आया है, दैट इज प्रेडनी सन। सो योर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। जो मैम आई हैव नो मच टाइम सो प्लीज आंसर। सुमित कुमार कह रहे क्या आंसर करना है सुमित कुमार जी, ऑरिजिन विद नॉलेज पार्किंसन डिजीज क्या होता है। ऑरिजिन विद नॉलेज अभी बताया है, जो पार्किंसन डिजीज होती है ये हमारे दिमाग की जो नसें होती है, हमारे दिमाग की नसों को थोड़ा ये डैमेज कर देती है, हमारे जो न्यूरोन्स होते हैं न्यूरोन्स को डैमेज कर देती है। तो हमारा जो ब्रेन होता है, यानी कि आदमी का, किसी भी व्यक्ति का अगर वो पार्किंसन डिजीज से अफेक्टेड है, सो इस कंडीशन में उनका जो दिमागी संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। कब तक क्लास चलेगी बेटा? क्लास चलेगी 12 PM तक, तब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होते। लगभग 12 AM तक तो क्लास आपकी चलनी ही है, 12 AM के बाद भी आपकी क्लास चलेगी, तब तक हम लगभग 20 क्वेश्चंस तो कंप्लीट करेंगे। टारगेट हमारा 25 का है, तो 25 तो हमें करने ही होते, अगर नहीं होते तो 20 तो करेंगे। चलेगा बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी की, अगर हम बात करते हैं जो हमारी पार्डिनिजोन जो टैबलेट है, ये जो मेडिसिन है, इसका यूज किया जाता है एज अ एंटी इंफ्लेमेटरी। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। एक तरीके से अगर हम बात करती हैं, जितनी भी हमारी बॉडी में, अगर आपकी बॉडी पे लिविंग टिश्यू, जितनी भी हमारी लिविंग टिश्यू होती है, किसी भी लिविंग टिश्यू में अगर डैमेज होता है, इसे जो कि मान लीजिए आप रनिंग कर रहे थे, अचानक आप गिर गए और आपके स्किन पे चोट लगी, आपको ब्लीडिंग आने लगी, तो होता क्या है, डॉक्टर करते क्या है, एक एंटी इंफ्लेमेटरी दवाई आपको देती है, कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे, कुछ एंटीसेप्टिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, इसके अलावा आपको यहाँ पर एंटी इंफ्लेमेटरी टैबलेट एक आपको दी जाती है, और उनमें से एक होती है आपकी यहाँ पर प्रेडनाइसोन। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। पार्टी चलेगी पूरी रात, बिल्कुल चलेगी, बस आप तैयार होने चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगर हमारे शरीर पे कहीं भी कोई कट लगता है, कहीं भी कोई चोट लगती है, तो उस कंडीशन में, उस चोट में तब जलन होती है, उस जलन से बचाने के लिए, उस दर्द से बचाने के लिए यहाँ पर लगाई जाती है प्रेडनिसोन, दी जाती है आपको टैबलेट, ये आपको, आप बेसिकली इस टैबलेट का इनटेक करते हैं। चलेगा बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की। कई बार होता क्या है, आप अचानक बाइक से गिरे, साइकिल से गिरे, होता क्या है, हमारी स्किन ना बिल्कुल लाल टमाटर की तरह छिल जाती है, ब्लीडिंग नहीं होगी बट लाल टमाटर की तरह छिल जाती है, उसमें जलन बहुत गंदी होती है, बहुत बुरे वाली जलन होती है, ए लेवल वाली, तो उसी जलन को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के स्क्रीन पर है, विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटी डिप्रेसेंट, यानी कि तनाव की कंडीशन में जो कोई भी पर्सन अगर तनावग्रस्त है, उनको किस कौन सी टैबलेट यहां पर दी जाती है, विच टैबलेट। अमन कह रहे शुभरात्रि मैम, चलेगा डिलीट कर दिया गया है। एससी मौजूद ही, आपका आंसर बिल्कुल गलत है, मेटामॉर्फिन डायबिटीज में नहीं दी जाती है। सुमित कुमार कह रहे मैम आई एम एसएससी जी एस्पिरेंट एग्जाम, सो प्लीज स्केल्टेड क्वेश्चंस। बेटा सुमित कुमार, एक आंसर का सही आंसर, एक भी क्वेश्चन का आंसर सही तो करो, एक भी क्वेश्चन का सही आंसर तो दो पहले। मैम ट्राई टू इंक्लूड शॉर्ट स्कर्ट्स, ओके मैंने सेशन की शुरुआत में आपको कहा था कुछ इंपॉर्टेंट एंड
कुछ तो आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, इम्पोर्टेंट के साथ साथ कुछ आपके स्टैटिक क्वेश्चंस आज आपको क्विज में मिलने वाले हैं। तो स्टैटिक क्वेश्चंस होंगे, स्टैटिक के साथ साथ जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर आंसर करेगा विच ड्रग इज यूज्ड एज अ एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर किस दवाई का यूज किया जाता है, विच ड्रग इज यूज्ड। आपको बताए दैट इज, देखो एक भी आंसर अभी तक सही नहीं आया, एक भी आंसर बेटा। दैट विल बी द ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम बात करेंगे बुप्रोपाइन। जो बुप्रोपाइन होती है, बुप्रोपाइन का यूज किया जाता है एज अ एंटी डिप्रेसेंट। तनावग्रस्त इंसान को, तनावग्रस्त व्यक्ति को दी जाती है बुप्रोपाइन। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलेगा, ये कुछ कॉमन टैबलेट्स होती है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये डेली लाइफ के कुछ कॉमन टैबलेट्स हैं, कुछ कॉमन ड्रग्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन ड्रग्स को अच्छे से एक बार देख लीजिए। चलेगा, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के स्क्रीन पर है। विच ड्रग इज यूज टू क्योर ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में किस ड्रग का यूज किया जाता है, विच ड्रग इज यूज टू क्योर ग्लूकोमा। अगर हम ग्लूकोमा की बात करते हैं, आपको पता है यानी कि मोतियाबिंद की कंडीशन में अगर हम ग्लूकोमा की बात करते हैं, मोतियाबिंद में कौन सी औषधि या फिर कौन सी ड्रग दी जाती है। मोतियाबिंद यहां पर पूछा जा रहा है, ग्लूकोमा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। वेरी नाइस, दैट विल बी द लेटेनोप्रोस्ट। इसको थोड़ा सा फास्ट में कवर करूंगी क्योंकि यहां पर बच्चों के आंसर बहुत कम आ रहे हैं। मैं समझ चुकी हूँ बच्चों को आंसर नहीं पता है, तो थोड़ी सी चीज आपको हैप्टिक लग रही है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी द लेटेनोप्रोस्ट। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यहां पर मोतियाबिंद की कंडीशन में जो लेटेनोप्रोस्ट नाम की एक ड्रग होती है, डायरेक्ट आंखों में डाली जाती है। इसको एक आई ड्रॉप के अंदर, अगर हम बात करते किसी भी बेसिकली आई ड्रॉप की, जो आई ड्रॉप्स होती है, आई ड्रॉप्स के अंदर इस ड्रग को मिक्स किया जाता है। चलेगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन योर स्क्रीन। विच ड्रग इज यूज्ड फॉर पेन रिलीफ। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको तो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो आप सभी को पता होगा पेन रिलीफ आपसे पूछा जा रहा है। जितने भी सीवियर पेन होते, अगर पेन की बात यहां पर हो रही है, सो हम बात करेंगे सीवियर पेन की। विच ड्रग इज यूज फॉर पेन रिलीफ। पेन रिलीफ में कौन से ड्रग का यूज किया जाता है। शीलू राजपूत जा रहे ऑप्शन नंबर बी के साथ, वेरी नाइस। यहां पे हम बात करेंगे आंसर किस किस का सही है। सबसे फास्ट आंसर है निवेद जी का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। शीलू जी का आंसर बिल्कुल सही है। ऑरिजिन विद नॉलेज जी का आंसर बिल्कुल सही है। वासुदेव का आंसर बिल्कुल सही है। मैम हिंदी में मधुमेह लिखा है, हिंदी में मधुमेह लिखा है। ओके, मधुमेह का बाद में बात कर लेंगे, पहले इंग्लिश में बात करते हैं। मधुमेह की भी सीधी लिखी हुई आपकी, मधुमेह में कौन सी दी जाती है। हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चन गलत हो गए। ओके, क्वेश्चन आपके गलत लिखे हुए हैं यहाँ पे। सो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट विल बी द ट्रेमाडोल। अगर इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में आंसर क्या होगा आपका, इंग्लिश में यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इज इट ओके। और अगर हम बात करते हैं डायबिटीज की, डायबिटिक कंडीशन में कौन सी दवाई दी जाती है मधुमेह की, अगर हम बात करें, अब हिंदी में आंसर कर दीजिएगा, इंग्लिश में आपका आंसर होगा ट्रेमाडोल। और जो ट्रेमाडोल होती है, ट्रेमाडोल मार्केट में अलग अलग नामों से मिलती है। ये जो ड्रग होती है मार्केट में अलग अलग नामों से मिलती है, जैसे हम बात करेंगे अल्ट्रम, ये अल्ट्रम के नाम से मिलती है। ठीक है, अल्ट्रम के अलावा अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वेरी नाइस, ये किसके नाम से आती है, अल्ट्रम के नाम से आती है। अल्ट्रम के अलावा हम बात करेंगे जाइट्रम के नाम से ये मार्केट में आती है। अलग अलग नामों से जो ट्रेमाडोल होती है, अलग अलग नामों से हमें मार्केट में मिलती है। जैसे दो नाम मैंने आपको बताया, अल्ट्रम के नाम से, जाइट्रम के नाम से मार्केट में मिलती है। चलिएगा, हिंदी वाले क्वेश्चन का भी आंसर कर दीजिएगा। अगर हम मधुमेह की बात करते हैं, सो मधुमेह के पेशेंट्स को, यानी कि डायबिटिक पेशेंट को कौन सी दवाई दी जाती है,
कौन सी मेडिसिन यहां पर दी जाती है? मेटामॉर्फिन, जेल्पिडे, प्रोमेथाइजिन या फिर हम बात करेंगे हाइड्रालाइजिन। फ्रेंड्स अगर मैं गलती से सो जाऊं तो मुझे चुटकी काट के उठा देना। वेरी नाइस, बिल्कुल जसवंत सिंह जी। अगर हम बात करेंगे जो ट्रेमेडोल है, ट्रीमेजर नाम से भी आते हैं, काफी अलग अलग नामों से ये ड्रग आपको मार्केट में मिलती है। मेटामॉर्फिन, वेरी नाइस। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। हिंदी में अगर हम बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स की, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको जो ड्रग दी जाती है, उनको जो दवाई दी जाती है, उनको जो मेडिसिन दी जाती है, दैट विल बी द मेटामॉर्फिन। मेटामॉर्फिन के साथ साथ जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है, इंसुलिन हार्मोन का। आपको पता है इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन है और इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है? डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके शरीर में, उनकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजीन में कन्वर्ट करने के लिए एक हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, इंसुलिन हार्मोन का। और इंसुलिन नाम के हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं, ये ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजीन में। और आपको पता है जितने भी स्टार्च होते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं या फिर ग्लूकोज होते हैं, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजीन के फॉर्म में ये स्टोर होते हैं, हमारी मसल्स के अंदर, हमारी लिवर के अंदर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और इंग्लिश हिंदी में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल, इट इज अ हार्मोन, इंसुलिन इज अ हार्मोन। चलेगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। एंड क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑन योर स्क्रीन। व्हिच ड्रग इज यूज्ड एज एंटीबायोटिक ड्रग? यहां पर एंटी डायबिटिक ड्रग, ओके चलेगा, एंटी डायबिटिक ड्रग यहां पर पूछी जा रही है। आ चुका है हिंदी इंग्लिश थोड़ी मिसटाइप हो गई, आई थिंक टाइपिस्ट ने गलती कर दी है, क्वेश्चन नंबर 14-15 की हिंदी इंग्लिश गलत कर दी, तो कोई बात नहीं। अब यहां पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटी डायबिटिक ड्रग। चलेगा, सो व्हाट विल बी राइट आंसर? दैट विल बी द ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेटामॉर्फिन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलेगा, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑन योर स्क्रीन। विच ड्रग इज यूज्ड टू क्योर ऑस्टियोपोरोसिस? अगर हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की, बेसिकली हमारी बोन्स को डैमेज करती है, हमारी जो बोन्स होती है हमारी बोन्स को कमजोर बनाती है, हमारी हड्डियों को कमजोर बनाती है। सो ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में कौन सी टैबलेट, कौन सी ड्रग पेशेंट को दी जाती है? आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, चलेगा, ए ए ए ए आंसर आ चुके हैं, इतने सारे ए आंसर आ चुके हैं। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करेंगे, That will be the A. So option number A will be the right answer. यानी कि हम बात करेंगे राइस ड्रोनेट नाम की एक ड्रग होती है जो पेशेंट को दी जाती है, और बेसिकली इसके अंदर पाया जाता है ट्राई कैल्शियम। हम बात करेंगे ट्राई कैल्शियम फोस्फेट इसके अंदर पाया जाता है। अगर हम रेजिड्रोनेट की बात करते हैं, रेजिड्रोनेट के अंदर पाया जाता है ट्राई कैल्शियम फोस्फेट, ट्राई कैल्शियम फोस्फेट। और जो ट्राई कैल्शियम फोस्फेट होता है ये हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, तो हमारी हड्डियां कुछ हद तक मजबूत होने लगती है। सो ट्राई कैल्शियम फोस्फेट पाया जाता है। या फिर इसके अलावा एक और केमिकल इसके अंदर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और आपको पता है हम अपनी हड्डियों की ही नहीं बात करेंगे एपेटाइट, हम बात करेंगे इनेमल की, जो हमारा टीथ का इनेमल होता है, जो टीथ इनेमल होता है वो भी किसका बना होता है? टीथ इनेमल की अगर हम बात करते हैं, इनेमल इज आल्सो मेड अप ऑफ द हाइड्रोक्सी एपेटाइट। जो रेजिड्रोनेट होती है, रेजिड्रोनेट के अंदर ट्राई कैल्शियम फोस्फेट और हाइड्रोक्सी एपेटाइट पाया जाता है, दैट गिव द स्ट्रेंथ टू अवर बोन्स। मैम बोन्स में छेद होने लगते हैं, बेसिकली हम अगर हड्डियों की बात करते हैं, जो हमारी बोन्स होती है, हमारी बोन्स के अंदर जो लिगामेंट्स पाए जाते हैं, या हमारे लिगामेंट्स को ब्रेक करने लगता है, हमारे बोन्स को कमजोर बनाने लगता है, जो हमारी हड्डियां होती है, बेसिकली जॉइंट्स वाला जो पार्ट होता है, जहां पर भी जॉइंट्स होते हैं घुटनों में दर्द होने लगता है,
जॉइंट्स में पेन होने लगता है, स्वेलिंग आने लगती है, इस तरह की कंडीशन हो जाती है हमारे ऑस्टियोपोरोसिस में। या फिर क्या होता है, पर्सन बिल्कुल बहुत पतला सा दिखने लगता है, बिल्कुल हड्डी नुमा ढांचा दिखने लगता है। जिस तरीके से देखा है ना कि किसान खेत में खड़ा कर देता है एक ढांचा पक्षियों को भगाने के लिए, चिड़ियाओं को डराने के लिए, उसी तरीके का इंसान हमें दिखाई देने लगता है ऑस्टियोपोरोसिस में। दो कंडीशन हमारे सामने आती है, बिल्कुल हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज द इनेमल। वेरी नाइस। सो चलिएगा पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के स्क्रीन पर है। किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ, अगर हम किडनी स्टोन की बात करते हैं, जो पत्थरी होती है किडनी के अंदर, वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे फास्ट आंसर है रजनीश राज जी का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। शिलू राजपूत जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अतुल, कहां ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो? कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो हो ही नहीं सकता, नॉट द बाइकार्बोनेट, दैट इज कैल्शियम ऑक्सलेट। पत्थरी जो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट, और इसके अंदर जो एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड होता है? एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। कैल्शियम ऑक्सलेट के अंदर जो एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड। सो कैल्शियम ऑक्सलेट इज मेड अप ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड। योर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। एस जी मोजी, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, नॉट द कैल्शियम फॉस्फेट, ओनली कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन नंबर ए के साथ सिर्फ जाएंगे। मैम आई वॉज फर्स्ट देन रजनीश, आप रजनीश से पहले थे, रजनीश के बाद। ओके निवेद जी का आंसर, गुड नाइट निवेद जी। बिल्कुल नहीं निवेद जी, गलत कह रहे हो। नहीं 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 भाई, आपका आंसर बाद में आया है, चलेगा। बढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के स्क्रीन पर है। एक ऐसी दवा जिसे डॉक्टर लोगों को शांत करने या उन्हें नींद आने के लिए देते हैं। बेसिकली हम बात करेंगे सर्जरी के टाइम पे जो डॉक्टर्स होते हैं ड्रग का यूज करते हैं टू मेक द पेशेंट काम एंड स्लीप, ताकि पर्सन बेहोश हो जाए, पर्सन सोता रहे, और एक या फिर सर्जरी के बाद, जो सर्जरी के बाद पेन होता है बॉडी में, उस पेन से रिलीफ के लिए डॉक्टर एक मेडिसिन का यूज करते हैं, एक ड्रग का यूज करते हैं। वो कौन सी ड्रग होती है? एक ड्रग दी जाती है पेशेंट्स को किसी भी सीवियर ऑपरेशन के बाद, एनी ऑफ द ऑपरेशन, एनिस्थेमाइन, दैट इज द एनिस्थेमाइन। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर, आपका सही आंसर यहां पर क्या होगा? अभी तक एक भी सही आंसर नहीं आया, नॉट इवन अ सिंगल आंसर, एक भी सही आंसर अभी तक नहीं आया है, नॉट इवन अ सिंगल आंसर। ऑप्शन नंबर सी के साथ सब जा रहे। क्वेश्चन में आपको फंसा लिया गया है, क्वेश्चन में आपको फंसा लिया गया है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन कहना चाह रहा है किसी भी हमारी बॉडी में अगर सीवियर पेन होता है, सीवियर पेन के टाइम पे डॉक्टर करते क्या है? चलेगा, वेरी नाइस, एक आंसर सही है जसवंत सिंह जी का, जसवंत सिंह जी का आंसर बिल्कुल सही है, दैट विल बी द बारबिट्यूरेट। जो बारबिट्यूरेट होता है, बारबिट्यूरेट ड्रग दी जाती है पेशेंट्स को, बेसिकली ग्लूकोज के थ्रू भी दे दी जाती है कई बार, और डायरेक्टली बॉडी में इंजेक्ट भी कर दी जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल जसवंत सिंह जी का आंसर है। रजनीश या रजनीश राज का सबसे पहले आंसर आया है, देन जसवंत सिंह, देन आया है आंसर आपका सीलू राजपूत जी का। अभी तक तीन ही स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल सही है, ओनली थ्री स्टूडेंट्स। संदीप अरोरा जी का आंसर सी है, ओके चलेगा, आई गॉट इट, ओके ओके चलिए। परसों ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, नॉट द एनेस्थे। यहां पर अगर हम बात करें जो एंटी हिस्टामाइन होता है, एंटी हिस्टामाइन का यूज किया जाता है एज अ एनेस्थीशिया, यूज किया जाता है, यानी कि ऑपरेशन से पहले लगाया जाता है एनेस्थीशिया, ऑपरेशन से पहले पेशेंट को दिया जाता है एनेस्थीशिया, और बाद में ऑपरेशन के बाद में पेन से बचाने के लिए दिया जाता है यहाँ पर बारबिट्यूरेट। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिएगा पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के स्क्रीन पर है। विच ड्रग इज यूज्ड एज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ऐसी ड्रग जिसके अंदर कोई भी स्टेरॉइड नहीं होता है, ऐसी ड्रग आपको बतानी है
किसी औषधि का प्रयोग गैर स्टेराइड ज्वलनशील रोधी दवा के रूप में होता है. वॉट विल बी योर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑन योर स्क्रीन. ऑप्शन नंबर सी एंटी एलर्जी. ऑप्शन नंबर डी ओके चलिएगा. ऑरिजिन विथ नॉलेज का आंसर बिल्कुल सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. एस जी मोजो जी का आंसर बिल्कुल सही है. रजनीश राजी का आंसर बिल्कुल सही है, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी. बिल्कुल नहीं पता, मैं बिल्कुल नहीं पता. नॉट एन इशू, नॉट एन इशू, नॉट अ बिग डील. नहीं पता तो हम है, इट्स ओके. बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की. क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी द आइबुप्रोफेन. दैट विल बी द आइबुप्रोफेन. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. जो आइबुप्रोफेन होती है इसके अंदर किसी भी स्टेरॉइड का यूज नहीं किया जाता. आपको पता है जितनी भी एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, बेसिकली हम बात करेंगे ये होती है आपकी एंटीबायोटिक्स. ये किस नेचर में होती है? ये होती है आपकी एंटीबायोटिक नेचर की. और आपको पता है एंटीबायोटिक बेसिकली हमें दी जाती है एलर्जी में. अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एलर्जी होती है सो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के चाहे हम इनटेक की बात करें, बेसिकली जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती है उनका बेसिकली हम इनटेक करते हैं, खाते हैं मतलब हम उनको. सो हमें एलर्जी के फॉर्म में इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती है. और जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती है लगभग हम बात करेंगे 90% इनके अंदर स्टेरॉइड्स का यूज किया जाता है. 90% स्टेरॉइड्स यहाँ पर पाए जाते हैं. बट जो यहाँ पर आपकी आइबुप्रोफेन ये जो ड्रग है इसके अंदर किसी भी स्टेरॉइड का यूज नहीं किया जाता. अगर हम स्टेरॉइड की बात करते हैं, आपको पता है स्टेरॉइड हमारी सेल्स के जो मेटाबॉलिक रेट होता है, या फिर हम बात करते हैं जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, हमारे हॉर्मोन्स को डिसबैलेंस कर देते हैं. बेसिकली जो हमारे सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, हमारे सेक्स हॉर्मोन्स को ये डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके कारण से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हॉर्मोनल चेंजेस आने लगते हैं. कई बार आपने देखा होगा ना जो जिम लवर होते हैं बहुत ज्यादा, जिनको जिम का शौक होता है, वो स्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा इनटेक करते हैं. तो उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे हॉर्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, जिसके कारण से उनकी मसल्स वगैरह की जो स्ट्रेंथ होती है, या फिर हम बात करें जो मसल साइज बढ़ने लगता है. बट दैट इज नॉट द beneficial for our health. अगर हम अपने health की बात करें, that is the obviously non-conscious for our health. So don't take any of the artificial protein. It will not be the beneficial for you. मैम first में ही answer दिया था, okay चलेगा. Origin with knowledge, I knew that. सबसे पहले answer आपने ही दिया था. तो जितने भी body छोटी वाले हैं ना, डोले छोले बनाने, तो 56 inch के सीने बनाने छोड़ दो. थोड़ी सी मेहनत करो, physical exercise करो, बिना किसी ड्रग्स के, बिना किसी एस्टेरॉइड के, ठीक है? तो आपको कोई भी एस्टेरॉइड नहीं खाना है. बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा. क्वेश्चन नंबर 20 विल बी ऑन योर स्क्रीन. द आर्टिफिशियल हार्ट वॉज इन्वेंटेड बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड मोड में एग्जाम्स में पूछा जाता है. आर्टिफिशियल हार्ट आपसे पूछा जा रहा है. आर्टिफिशियल हार्ट की खोज किसने की थी? द डिस्कवरी ऑफ द आर्टिफिशियल हार्ट वॉज इन्वेंटेड बाय, सॉरी डिस्कवरी ऑफ द आर्टिफिशियल हार्ट, या फिर आर्टिफिशियल हार्ट इज इन्वेंटेड बाय. चलेगा. आमिर का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द पॉल विंसल. एस जी मोज ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे. अमन जन ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे. सो विच ऑप्शन विल बी द राइट आंसर? सही आंसर क्या होगा? रजनीश राजी जा रही है ऑप्शन नंबर डी के साथ. आपको पता है सबसे पहले 1973 की हम बात करेंगे, 1937 में आर्टिफिशियल हार्ट की डिस्कवरी की गई थी. और किसके द्वारा? पॉल विंसल के द्वारा, 1937 में. और जो सबसे पहला ट्रांसप्लांट हुआ था, फर्स्ट ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करेंगे, तो फर्स्ट ट्रांसप्लांट कब हुआ था और किसका हुआ था? फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करेंगे, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, फटाफट आंसर करिएगा. मैम इस सेशन को पूरी अगली क्लास में जरूर पूरा करना, बिल्कुल पूरा करेंगे. टेंशन मत लीजिए, कल की क्लास में पूरा करेंगे बेटा. 1982 में 1982 में
सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था और ये किसका हुआ था? हम बात करेंगे डब्ल्यू जे कॉल्फ और इनके साथ इनकी पूरी टीम थी। डब्ल्यू जे कॉल्फ एक डॉक्टर थे, इनके साथ साथ एक और डॉक्टर थे जिनका नाम था आर जार्विक या फिर डब्ल्यू जे कॉल्फ नाम के दो डॉक्टर थे, नॉट द साइंटिस्ट, डॉक्टर थे। इन दोनों डॉक्टर ने सबसे पहला ट्रांसप्लांट किया था 1982 में और एक पर्सन थे जिनका नाम था जॉर्विक सेवन। आपको पता है ना, जो जितने भी ब्रिटिशर्स होते हैं आपने सुना होगा लुइस वन लुइस टू, इस तरीके से इनके नेम होते हैं, तो उसी तरीके से एक पर्सन थे जॉर्विक सेवन। और ये थे कहां के, अगर हम बात करें जॉर्विक सेवन कहां के रहने वाले ये थे, ये आपका क्वेश्चन होगा। आमी सुमारी जी गुड नाइट मैम, अभी तो क्वेश्चन भी पूरा नहीं हुआ है, पहले ही गुड नाइट हो गई है। चलेगा, सो लेट्स एंड द सेशन, करेंगे आज के सेशन का एंड। आज के क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। सो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया हुआ था, किसका हुआ था? जार्विक सेवन का। किसके द्वारा किया गया था? डब्ल्यू जे कॉल्फ के साथ आर जरिक नाम के साइंटिस्ट थे और 1982 में हुआ था। डिस्कवरी किसने की थी? पॉल विंसल ने 1937 में आर्टिफिशियल हार्ट की डिस्कवरी की थी। मैम आपकी लाइव क्लास की टाइमिंग क्या है? आलोक भारती जी, हमारी लाइव क्लास की जो टाइमिंग है वो रहेगी 11 to 12 AM डेली, 11 PM to 12 AM दिस इज द टाइमिंग ऑफ अवर क्लास। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मैम प्लस कोर्स कब आएगा साइंस का आपका? तन्मय जी, प्लस कोर्स, एक हमारा प्लस कोर्स एंड होने वाला है, इसके तुरंत बाद आपका प्लस कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। और प्लस कोर्स की मैं आपको डेट बता देती हूँ, आज कितनी डेट है, आज 13 है, लगभग आपका 22 से स्टार्ट होने जा रहा है, 22 से आपका प्लस कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। यू कैन ज्वाइन दैट प्लस कोर्स, आप उस प्लस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, 22 से आपका प्लस कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। और प्लस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको पता है, जितने भी स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई भी प्लस कोर्स के साथ हमारे जुड़ना चाहता है, प्लस कोर्स आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। और वहां पे आप कोड, आप यहाँ पे रेफरल कोड को अप्लाई कर सकते हैं। और कोड आपके लिए क्या होगा? कोड होगा आपके लिए एनडी लाइव। रेफरल कोड को अप्लाई करके आप हमारे साथ प्लस कोर्स पर जुड़ सकते हैं और जिससे आपको मिलेगा आपके फी में 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। मैं 25 क्वेश्चन करवाइए, अभी 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, कल के सेशन में 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, टेंशन मत लीजिए। जार्विक सेवन तो हार्ट का नेम था मैम। अरे अमन, जार्विक सेवन इज नॉट द नेम ऑफ द हार्ट। जार्विक सेवन एक ह्यूमन के नाम था बेटा, कहां पढ़ लिया आपने हार्ट का नाम, कहां से जार्विक हो सकता है। सो चलिएगा, लेट्स एंड द सेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस, मिलते हैं कल फिर से 11 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। और सेशन कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, सेशन कैसा लगा। और कोई भी अगर क्वेरी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, जनरल साइंस बाय नीतू ढाका के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। सो बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं 11 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत।